हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। तो आपको क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं एंड आपको पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं। एन इक्वल टू फोर, एन इक्वल टू फोर के अंदर बच्चे पहले हमें ऑर्बिटल्स तक पहुँचना होगा। ऑर्बिटल्स हमें कहाँ से पता चलती हैं? एम एल वैल्यू से। तो एन इक्वल टू फोर के अंदर जो एल वैल्यूज होंगी वो जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है एंड थ्री हो सकती है। क्लियर? एंड अगर इसी के लिए हम एम एल वैल्यूज कैलकुलेट करें तो इसके लिए तो एक ही एम एल वैल्यू होगी, जीरो। तो मतलब इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होगा। क्लियर? एंड अगर हम बात करें माइनस वन के लिए, वन के लिए सॉरी, तो इसके लिए अंदर एम एल जो होगा वो माइनस वन, जीरो एंड प्लस वन, तीन वैल्यूज होंगी। तीन वैल्यूज मतलब इसके अंदर तीन ऑर्बिटल्स होंगे। फिर बात करते हैं टू के लिए, तो इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी दैट विल बी फाइव, फाइव वैल्यूज मतलब फाइव ऑर्बिटल्स विल बी देयर। क्लियर? एंड इसके अंदर टोटल जो वैल्यूज होंगी दैट विल बी सेवन, क्योंकि सेवन वैल्यूज हैं तो मतलब यहां पे सेवन ऑर्बिटल्स पॉसिबल रहेंगे। क्लियर है यहां तक? अब देखो एम एस वैल्यू दे रखी है, एम एस वैल्यू इज माइनस हाफ। अब हमने क्या किया था कि एक ऑर्बिटल में बच्चे दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी प्लस हाफ एंड दूसरे की होगी माइनस हाफ। क्योंकि यहाँ पे प्लस हाफ दे रखा है मतलब एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन डालना है जिसकी वैल्यू माइनस हाफ है। वो क्लॉकवाइज स्पिन में भी हो सकता है, वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में भी हो सकता है। तो हर एक ऑर्बिटल में बस एक एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, वैसे दो आ सकते हैं लेकिन एम एस वैल्यू स्पेसिफाई कर दी है तो हम एक ही इलेक्ट्रॉन डालेंगे। क्लियर? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व, थर्टीन एंड प्लस थ्री सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं, एन वैल्यू इज थ्री, एल वैल्यू जीरो, एम थ्री एल जीरो, एन थ्री है एल जीरो है। अगर एल जीरो है तो बताओ एम एल क्या होगा? जीरो। तो मतलब एक ही ऑर्बिटल है एंड अगर एक ही ऑर्बिटल है उसके अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? क्योंकि एम एस तो स्पेसिफाई नहीं किया, अगर एम एस स्पेसिफाई कर देते तब तो बात अलग हो जाती, लेकिन एम एस तो मैं खुद कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो दो ही वैल्यूज हैं तो मतलब दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इन दिस केस। क्लियर? अब आप यहाँ पे हर एक एल वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि एल वैल्यू आपको स्पेसिफाई कर दी गई है कि थर्ड के अंदर एल जीरो में देखना। क्लियर? तो एल जीरो में एम एल जीरो हो जाएगा, एम एल जीरो में एक ऑर्बिटल है एंड उसके अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आप अकोमोडेट कर पाओगे। तो फर्स्ट का आंसर है 16, सेकंड का आंसर है टू इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू।